आपने जो विंडो इंस्टॉल की है, जिस सिस्टम में इंस्टॉल की है, उस सिस्टम का नंबर नोट कर लो आप। हमने तो फॉर्मर वाला नहीं किया। उसपे देखना नंबर कौन सा है इसपे? सर जी इसपे नंबर देखने का सिस्टम पे? कौन से का? ये? आपका जो नहीं आप इसको मत देखो, आप सीपीयू का नंबर देखो, क्योंकि ये तो कहीं भी नहीं है, सीपीयू नंबर 6 है। पर ये कि ये कौन सा है? बार वाला नंबर, बार वाले देखो क्या नंबर है ये। अरे सीपीयू नंबर बोल रहा है यार, सर कितना नंबर है? पता नहीं कितना है इसका नंबर। 6 है ये, 78 है ये, ये सारे जो ये आ रहे हैं पता है ये कैसे बुलाना है? आपका सिस्टम नंबर है 10, ठीक है? सीपीयू का नंबर देखना है आपको। ये की तरह कौन सा है? बाहर का नंबर देख लो, कंप्यूटर सिस्टम का नंबर ऊपर पे 15 कितना है? देखो अब नॉर्मल साइज पर ये लगा नहीं लगा है, हां 18 सीएस का नंबर चाहिए है, होम के जितने भी सारे जो आपको है। अभी देखो ये अपने हमने से नंबर है, ड्यू के लिए करना है जो खाली वाला वो बोल रहे हैं उनके सारे आदमी भी आपको कितने सारे फॉर्मेट में कितने फॉर्मेट में ये सब ये यहां पे ये है और अभी बंद इसकी बात है ऐसा बन जाएगा हमें जीवन की पैकेज की थी आप में देखना है कोई फॉर्मेट में की जो है सर्विस सेवा रिवन कौन सा होता है अब हम इसके बता रहे हैं यहां से मिनिमम जीवन करते हैं पेंट करके करता रिवन उसको है उसके बारे में उसके बारे में अब इसको लाने के लिए दोबारा से हम जो है यहां से आता है ये मिनिमम नॉइज कट कर दिया था इसको यहां से हटा देते थे थोड़ा है यहां से जो भी चीज अब थोड़ा से हटा जब से अंडू वीडियो है ये तो हम यहां से हट जाएंगे अगर इसको ये कहां से इसे जब हो जाए इसको यहां से इसको और सेव हो रहा है ठीक है। अब यहां जो चीज आनी है वो आप कर सकते हो सर को न्यू हाइड करना है, शो करना है, ये ऑप्शन आ रहा है क्योंकि अभी ये स्टेबल है। अगर आप उसको अनचेक कर दोगे तो क्या होगा? इसको आप चेक कर दोगे ना अगला पंच आ गया, दोबारा क्लिक करके आ जाएगा इसको चेक। उस चीज को हटाने के लिए आपको जीवन को पे शुरू करना होगा, फिर कुमार ने उसको हटाना है इसको अभी उसके बाद में दो और आगे दोनों ठीक है। ये रिवर्स में है या ऑप्शन जैसे ये दूसरे के पास से कौन सा नहीं ये री इस टाइम पे री अंडू है और ये रिवर्स है। जब कोई चीज अपन आ होती है यहां पर पहला अंडू पर भी तो अभी दो का नहीं है ये इसको दोबारा चलो दोबारा सॉल्यूशन हो गया आप सभी की। अब अंडू हटा दें यहां से ठीक है, बाकी डिस्कशन आप सामने कर लेंगे। अब इसके बाद हम ये दो मान गए सर एविडेंस अब अभी ये ठीक है तो उसको उधर ऐसे आ गया पहला उल्टा आ गया ऊपर जिससे पहले लाओगे पहले आ जाए उस मूड पे आप ठीक है सर। सर आप आ जाओ ठीक है। तो अब आपको लगता है कि आप विंडो यूज कर सकते हैं, विंडो इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत होगी होगी तो अदरवाइज नहीं होगी क्योंकि आज भी अभी आपने हेल्प ली है ठीक है। बट आपको ये देखना है जब आप विंडो यूज करोगे तो पार्टीशन का आपको ध्यान रखना है, पार्टीशन का ध्यान क्योंकि आपने विंडो यूज किया, आप विंडो इंस्टॉलेशन कर रहे हो और आपने पार्टीशन का ध्यान नहीं दिया तो ये भी हो सकता है कि आपका डेटा चला जाए क्योंकि आपको पार्टीशन के बारे में पता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो, गलती से भी कर सकते हो ठीक है। तो विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको पार्टीशन का साइज देखना है, आपका सिस्टम वर्किंग है, आप चाहते हो आप दूसरी विंडो पर इंस्टॉल करना चाहते हो तो पहले सीए और सी ड्राइव का पार्टीशन देख लो या फिर उस पार्टीशन का नाम चेंज कर दो। आपने नाम चेंज किया होगा हनी स्पेयर ठीक है। जैसे हम किसी फोल्डर सर सेलेक्ट कर लीजिए जैसे नॉर्मली इसका जो नाम है लोकल डिस्क में आता है बट जैसे नॉर्मल फोल्डर को कॉपी रीनेम करते हैं ना
वैसे इस टाइप को भी रिनेम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और इसे रिनेम करता हूँ, ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ऐप लिखा आपने, क्लिक कर दिया, परमिशन दो, अगर आप चेंज करना चाहते हो परमिशन दे सकते हो, कंटिन्यू। ठीक है, ऐप डी ड्राइव, लेकिन लेटर साथ में असाइन हो गए होंगे। लेटर ये सिस्टम डिफाइंड करता है, आप खुद से भी चेंज कर सकते हो लेटर्स को। ठीक है, लेकिन सी को डिफाइन सिस्टम ही करेगा, बाकी आप चेंज कर सकते हो। उसको एप्लीकेशन का नाम रिनेम कर सकते हो किसी भी लोकल डिस्क का, जब आप इसे फॉर्मेट करोगे ना तो ये नाम आपको वहां पे दिखाई देगा पार्टीशन के अकॉर्डिंग, तो ये आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता लगेगा इसका नाम ये, तो ये सेम नाम वहां पे दिखाएगा पार्टीशन का, ये नाम, तो आप इसमें जाओगे नहीं क्योंकि आपको पता चलेगा आपका डेटा है। वैसे आप यहाँ पे डिपेंड कर सकते हो। ठीक है, और कल मैं जो आपको बताऊंगा सेम चीज बताऊंगा, लेकिन वो विंडोज एट के साथ में बताऊंगा आपको, क्योंकि एट में भी थोड़ा बहुत जीयू का जो जीयूआई होता है, ग्राफिक जो उसका इंटरफेस होता है, उसका थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो उसका फर्क है, वो भी चीज मैं आपको दिखा दूंगा, तो आपको फिर टाइम में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी सारी चीजें हम सेम यूज करेंगे। तो अभी के लिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, बट अभी के लिए जो आपको हार्डवेयर की बुकलेट दी जा रही है एक बार उसे कल देख लेना। ठीक है, अपने सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन करोगे जैसे हमेशा करते हैं। सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर आप